Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी ETO का कोर्स करने वाला है या फिर कर रहा है. तो ये टॉपिक है कि डिमांड ऑफ ETO इन फ्यूचर. सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ETO एंट्रेंस एग्जाम या फिर ETO स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए जो भी स्टडी मटेरियल होता है, प्लस डिफरेंट कॉलेज का प्रीवियस क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिए. आपको वहाँ से उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ से. देखिए एक्चुअली बहुत सारा, देखिए अभी के टाइम पे इंजीनियरिंग करने के बाद आपको उतना हाई सैलरी का जॉब नहीं मिलता है मैक्सिमम जगह पे. अगर आप किसी अच्छे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो उस टाइम पे आपको हाई बैज का सैलरी मिलता है. तो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद सब लोग अभी ETO का कोर्स कर रहे हैं मैक्सिमम. मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, बहुत लोग अभी ETO का कोर्स कर रहा है. तो सबके मन में अब एक सवाल है कि ETO का डिमांड कैसा होता है फ्यूचर में, अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा. चाहे क्या ETO का डिमांड कम तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज हर एक शिप पे आपका एक ही ETO होता है. देखिए ऐसे बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा आपको YouTube पे कि सब लोग बोलता है कि ETO का डिमांड नहीं है, ऐसे ETO का, ऐसे किसी किसी कंपनी में ETO है ही नहीं. बट देखिए उनके लिए मेरा यही आंसर है, ETO का डिमांड अभी भी है, बहुत सारे कंपनी में नहीं है. जिस शिप पे नहीं होता है उनके लिए थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है उनका, ETO का काम करना पड़ता है. बट ETO का डिमांड अभी भी है और बाद में और भी बढ़ेगा ETO का डिमांड, ठीक है. बिकॉज ETO मतलब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, जहाज पे जो भी इलेक्ट्रिकल काम होता है सबको, सब कुछ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ही ठीक ठाक ठीक करता है. तो अभी के टाइम पे शिप पे सब कुछ सारा इक्विपमेंट सब कुछ ऑटोमेटिक आ चुका है. और ऑटोमेटिक मतलब क्या, सब कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है सब में, थोड़ा थोड़ा जो भी सर्किट का डायग्राम है, ठीक है. तो वो सब कोई भी नॉर्मल आपका जो मेरिट इंजीनियर है, मतलब वो लोग क्या है, वो लोग उनका जो भी डिपार्टमेंट है, वो लोग उनका मैकेनिकल के ऊपर उनका नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल के ऊपर उनका उतना नॉलेज नहीं है. बट कोई इंजीनियर कर भी सकता है, वो उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है. बट नॉर्मली वो लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट से होता है और आपका जो इलेक्ट्रिकल है वो डिफरेंट काम है. तो जो भी मेरिट इंजीनियर है उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है वो सब काम ठीक करना. तो अभी के टाइम पे सब कुछ जो भी आपका इक्विपमेंट है सब कुछ ऑटोमेटिक आ चुका है. तो उसके लिए अगर कुछ भी खराब होता है आपका जहाज पे, तो वो सब ठीक करता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर. अभी मैक्सिमम शिप पे है, किसी किसी कंपनी में नहीं है, बाद में आएगा. तो अभी ETO का डिमांड है, जो भी अभी कॉमन डाउट में है कि ETO का डिमांड है कि नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि हाँ ETO का डिमांड है. अभी फ्यूचर में ETO का डिमांड और भी बढ़ेगा, बिकॉज सब कुछ शिप पे सब कुछ अभी ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिकल है. तो मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है उनका डिमांड बढ़ेगा. तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि ETO का डिमांड है कि नहीं, गाइस एक्चुअली बहुत ही कॉमन डाउट है, बहुत सारे लोग मुझे आता है ये क्वेश्चन कि सर ETO का डिमांड रहेगा कि नहीं. तो आई होप कि आपको इस वीडियो से मालूम चल गया होगा कि ETO का डिमांड रहेगा, बिकॉज आपके सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सारे इक्विपमेंट सब कुछ. तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. तो वैसे आज का वीडियो यहीं तक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.